हाँ जी, सो वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 28. राम मोहन, सोहन, हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म इन 4-2, 4-3-2-1. ऑन 1st अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज. इनकी बैलेंस शीट दी हुई है. अब देखिए क्या कहता है. बैलेंस शीट ऑफ राम मोहन सोहन एंड हरी इज गिवन 1 अप्रैल 2016 को. आगे क्या होता है. From the above date, partners decided to share the future profits in the ratio of 1-2-3-4-1. Reverse कर दिया ratio. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 1,80,000. The partners also agreed for the following. The claim for workmen compensation has been estimated 1,00,000. Adjust the capitals, ये line आ गई, of the partners according to new PSR by opening partners current accounts. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ये. उसने कहा है कि हमारी जो कैपिटल है वो हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. ठीक है, अगर मेरे पास 60% शेयर है तो मेरी कैपिटल भी 60% होनी चाहिए फर्म में. मेरे पास 50% शेयर है तो 50% कैपिटल होनी चाहिए. प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट. ठीक है, दिस इज द फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस. ठीक है, मेरे पास ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करा रहा हूँ. आप लोग की बुक में जो भी क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपने तीनों अकाउंट्स के फॉर्मेट बनाने हैं. रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, याद रहे तीनों एक साथ बनाने हैं. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दी है एडिशनली उसकी एडजस्टमेंट्स करेंगे. तो यहाँ पर गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000. सबसे पहले हम गुडविल की एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं. देखिए गुडविल की एडजस्टमेंट होती क्या है. यहां मैं वर्किंग्स कर रहा हूं. गुडविल की जो वैल्यू इन्होंने वैल्यू करी है दैट इज 1,80,000 और हमारी एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना. तो अब सबसे पहले हमने ये देखना है गेनिंग कौन है और सैक्रिफाइसिंग कौन है. पार्टनर्स के नाम क्या है. राम मोहन सोहन हरी. राम मोहन सोहन और हरी. रेशियो इज 4-3-2-1. तो 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10. और इसका रिवर्स हो गया 2/10, 3/10 और 4/10. देखिए यहां पर 3/10 का सैक्रिफाइस आ रहा है, यहां पर 1/10 का सैक्रिफाइस आ रहा है, यहां पर 1/10 का गेन आ रहा है और यहां पर 3/10 का गेन आ रहा है. तो एंट्री हो जाएगी RM to SH debit और RM क्रेडिट हो जाएगी. ठीक है जी, तो पहले ऐसा करते हैं इसकी जर्नल एंट्री हम पोस्ट कर लें. SH to R to M. ठीक है, इनके गेन और सैक्रिफाइस भी लिख लेते. ये है 1/10, ये है 3/10, ये है 3/10 और ये है 1/10. ठीक है, अब फटाफट हम इनकी एंट्रीज पोस्ट करेंगे. वैसे तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करने की. ठीक है, तो इसका इलाज ये है कि एक एक करके एंट्रीज करते हैं. सबसे पहले हम सोहन को डेबिट करते हैं. सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट. 1,80,000 की जो गुडविल है इसमें इसको कितना गेन हुआ, 3/10, 1/10. तो ये हो गया 18,000. ठीक है जी, ये पैसा बच जाएगा राम और मोहन में. मर्ज एंट्री भी हो सकती थी लेकिन अभी हम उसको अवॉइड करते. किस रेशियो में बटेगा, ये इनका जो गेनिंग रेशियो है 3:1 है, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो इसको हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है, तो ये आ जाएगा 13,500 और 4,500. ठीक है, अब हम हरी की बात करते हैं. सेम एंट्री इज फॉर हरी. हरी टू राम टू मोहन.
ठीक है, अब हरि को कितना गेन हुआ, 1,80,000 का 3/10, ठीक है, तो ये हो गया 54,000। इसको भी 3:1 में राम और मोहन में बांट देंगे, तो ये आ जाएगा 4,13,500 और 40,500, ठीक है। इस तरीके से अगर आप एंट्री करेंगे ना तो बहुत बेटर रहेगा। अगर आप दूसरा तरीका यूज करते हैं, मर्ज एंट्रीज करते हैं, तो देखिए वो कैसे होगी, एस एच टू आर टू एम। एस से हमने सोहन से कितना लिया था, 18,000, ठीक है, हरी से हमने कितना लिया, 54,000, टोटल हो गया ये 72,000, ठीक है। अब इस 72,000 को 3:1 में बांट दिया तो ये आ जाएगा 18,000 इसको मिलेगा और 54,000 इसको मिल जाएगा। लेकिन जब आप इसकी लेजर में एंट्री पोस्ट करेंगे तो आप ये नहीं बता सकते कि एस ने कितना कॉम्पेंसेट किया और एच ने कितना कॉम्पेंसेट किया, तो ये वाला मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज हो सकती है, आप गुडविल अकाउंट ओपन कर लें, गुडविल अकाउंट ओपन करके अगर आप करेंगे तो बेटर है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम एस और एच की अलग अलग एंट्रीज कर चुके हैं, तो हम एस और एच की अलग अलग एंट्रीज के हिसाब से चलेंगे। ये हमारी वर्किंग्स है फॉर गुडविल, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो भी आपने वर्किंग्स बनानी है, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री थी, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बहुत केयरफुली ये बताई है, बहुत इसकी दोनों पार्ट बताए हैं कि आप कंबाइंड एंट्री करोगे तो क्या होगा और इंडिविजुअल एंट्रीज में क्या फायदा है। तो अब इसको पोस्ट करते हैं, ठीक है। राम देखिए, राम और मोहन क्रेडिट हो रहे हैं 13,500 और 4,500 से, ठीक है। राम, मोहन, सोहन, हरि, ये क्रेडिट किस वजह से हो रहे हैं, इनको कौन कॉम्पेंसेट कर रहा है, सोहन, 13,500 और 4,500। तो सिमिलरली सोहन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और सोहन यहां क्या लिखेगा, टू राम टू मोहन। सोहन के अकाउंट से 18,000 निकले, 13,500 राम के लिए और 4,500 मोहन के लिए। अब देखिए हरि के केस में क्या एंट्रीज होंगी, हरि टू राम, हरि टू मोहन, 40,500, 13,500, यहां पे बाय हरी कर देते हैं, चालीस पांच सौ और 13,500, और यहां आ जाएगा टू राम, टू राम टू मोहन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहां पे सिर्फ अमाउंट भी लिख सकते हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक मिनट, यहां पे आ जाएगा 40,500 और 13,000। सबसे पहले इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो। हाँ जी, अब हम आगे चलते हैं, हमारी गुडविल की एंट्री हो गई है, और याद रहे जब आप गुडविल की एंट्री कर लेंगे तो आपने यहाँ पे रेफरेंस देनी है वर्किंग नोट नंबर 1 की, जी हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में ये सब कुछ करके दिखाया हुआ है। अब हम आगे चलते, उसके बाद वो कह रहे हैं एडजस्ट द कैपिटल, सॉरी, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड 1,50,000। आप देखिए रिजर्व के अंदर 1,20,000 पड़ा हुआ है, कॉम्पेंसेशन देना पड़ रहा है 1,50,000। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, पहले आप इसकी जर्नल एंट्री पर वर्क करते हैं। अगर हम वर्किंग्स करें तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में पड़ा हुआ है 1,20,000, ये हो गया खत्म। क्लेम जो आ गया वो आ गया 1,50,000 का, हमें 1,50,000 देने पड़ेंगे, बाकी का अमाउंट कहां जाता है, रिवैल्यूएशन में, आपको याद होगा। तो ये जो 30,000 है ये हमारी एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब देखिए यहां पर आ जाएगा जो लॉसेस हैं वो आपको पता ही है कहां पर आते हैं, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे। तो यहां आ जाएगा टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, तीस हजार। इसका नेक्स्ट इंपैक्ट कहां पर आएगा, बैलेंस शीट पे, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, यहां पर आ जाएगा 1,50,000। 1,20,000 तो रिजर्व से आ गया और 30,000 रुपए हमारा रिवैल्यूएशन में जो हमने लायबिलिटी खड़ी करी है, एक्स्ट्रा लायबिलिटी रिकॉर्ड करी है, उससे आ गया।
ठीक है। अब क्वेश्चन इस रिवैल्यूएशन लॉस को हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, आर एम एस और एच, ठीक है, 4-3-2-1 में बांटेंगे। ये हो जाएगा 12,000, ये आ जाएगा 9,000, ये आ जाएगा 6,000 और ये आ जाएगा 3,000। और ये लॉस जो है पार्टनर्स की कैपिटल को अफेक्ट करेगा डेबिट से। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, ठीक है, 12,000, 9,000, 6,000 और 3,000, ठीक है। ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। अब हमने कैपिटल अकाउंट को एक बार क्लोज कर देना है। याद रहे हमने एक एडजस्टमेंट भी करी नहीं है, लेकिन आप क्लोज कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एडजस्टमेंट के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया है। क्लोज करिए फटाफट, देखिए क्लोज कैसे करते हैं आप लोग। क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस और पति मिला दो, राम, मोहन, सोहन और हरी, ठीक है। इनकी कैपिटल्स कितनी कितनी आ रही थी, 442, 459, 226, 143। इनका टोटल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 अब हम करने जा रहे हैं। देखिए कह रहे, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट of A and B, who shared profits and losses in the ratio of 2:1 as at 1 April 2019. Balance sheet of A and B as on 1st April 2019 is given. ठीक है, balance sheet में जो भी दिया हुआ है, ठीक है, हमने इसको इतना bother नहीं करना, बाद में देखेंगे। On the above date, the partners changed their profit sharing ratio to 3:2. 2:1 था, 3:2 कर लिया। For this purpose, the goodwill of the firm was valued 3 lakh. The partner also agreed for the following: value of land and building will be 5 lakh, reserve is to be maintained at 3 lakh, total capital of the partner in the new firm will be 6 lakh. So here it is mentioning ki beta total capital jo hai firm ke andar wo 6 lakh hogi, to capital ka bhi dhyan rakhna hai aapne, theek hai. Prepare revaluation account. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, ठीक है, ये अब हमने बनाना है तो बनाना शुरू करते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, कह रहा है गुडविल जो वैल्यू कर रहे हैं हम 3 लाख वैल्यू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम गुडविल की एडजस्टमेंट कर लेते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली, ठीक है। वर्किंग्स पे चलते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। अब गुडविल की वैल्यू कितनी बता रहा है, ये 3 लाख रुपए बता रहा है। हमें यहाँ पे देखना है कौन गेनिंग है और कौन सैक्रिफाइसिंग है। तो ए और बी को देखते हैं, ए का रेशियो पहले था 3:5 और सॉरी पहले 2:3 था और 1:3 था, अब न्यू रेशियो जो हो गया दैट इज 3:5 और 2:5। अब यहाँ पे देखिए 15, 10 - 9, 1/15 का इसको सैक्रिफाइस हो रहा है और इसको 1/15 का गेन हो रहा है, तो बी कॉम्पेंसेट करेगा ए को। अगर आप जर्नल एंट्री पास कर दे तो और बहुत बढ़िया हो जाएगा। बी टू ए, 3 लाख की जो गुडविल है उसका 1/15, 20,000 बी ए को देगा, तो बी डेबिट और ए क्रेडिट, ठीक है। तो ये एंट्री हम यहाँ पोस्ट कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा बाय बी 20,000 और बी की कैपिटल डेबिट हो जाएगी 2A 20,000। वर्किंग नोट नंबर 1 की यहाँ रेफरेंस दे देंगे आपको। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी 5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 2,90,000 थे, 5 लाख हो गए, 2,10,000 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो 2,10,000 का प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग,
210,000 का प्रॉफिट, और नीचे बैलेंस शीट में ये जो वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की, ये अब 5 लाख शो होने लगे। नेक्स्ट, रिजर्व इज टू बी मेंटेन 3 लाख और टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर इन द न्यू फर्म विल बी 6 लाख। वो कह रहे रिजर्व कितने होने चाहिए, 3 लाख के होने चाहिए। रिजर्व मेंटेन करना ना प्रॉफिट है ना लॉस है, याद रहे। रिजर्व का मतलब क्या है, हमने पैसा जो उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखा, दैट्स इट, क्लियर है। तो अब रिजर्व बनाने की एंट्री जो होगी वो आप देख लेंगे, अर्पित का ये क्वेश्चन था। तो रिजर्व बनाने की एंट्री होगी ए और बी, ठीक है। अब ये बात याद रहे, ये रिजर्व कब बना रहे, आज बना रहे, है ना। 3 लाख का जो ये रिजर्व बना रहे, 3 लाख का रिजर्व जो मेंटेन करना है, अभी तक तो सिर्फ 1.5 लाख के रिजर्व थे, अभी 1.5 लाख का रिजर्व और बना रहे हैं। तो इसको रिजर्व को क्रिएट कैसे करें, नया रिजर्व है, याद रहे। आई रिपीट, दिस इज अ न्यू रिजर्व, अभी ये नया रिजर्व है, इसका हम करेंगे क्या, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ऐसा करो, जो अभी तक करते आए हो ना उसको वैसे ही करो, रिजर्व्स को बांट लो। पहले आप रिजर्व्स को बांट लो, ओल्ड रिजर्व्स को तो बांट लेना। ओल्ड रिजर्व्स को हम किस रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। 1.5 लाख को आप 2:1 में बांट लो, तो 1,50,000, ठीक है, इतना कर लो। अब वो कह रहे हैं नया रिजर्व बनाना, नया रिजर्व बनाते हैं अभी, ठीक है, टेंशन मत लो, अभी नया रिजर्व बनाए। न्यू रिजर्व हमें चाहिए 3 लाख का, तो न्यू रिजर्व किस रेशो में बनना चाहिए, न्यू रेशो में बनना चाहिए। पुराना तो खत्म ही कर दिया ना, पुराना जैसे ही हमने खत्म कर दिया तो पुराना जीरो हो गया, पुराना को बांट लिया। अब 3 लाख का नया रिजर्व बनाना है, क्योंकि आज जो रिजर्व बनेगा, आज तो हमारा रेशियो ही नया, तो ये रिजर्व भी नए रेशियो में बनेगा। और रिजर्व बनाएंगे कैसे, हम ए बी के कैपिटल अकाउंट से काट के पैसा हम रिजर्व में डाल देंगे। आप कहोगे सर रीवैल्यूएशन में क्यों नहीं डाल रहे, आप रीवैल्यूएशन में भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये ना एसेट है ना लायबिलिटी है, ठीक है। तो इसको रीवैल्यूएशन में रीवैल्यू करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ये तो अपनी स्वेच्छा से रिजर्व बना, ठीक है, पैसा जोड़ रहे हैं। तो 3 लाख का आप रिजर्व यहाँ बना लो, और किस रेशो में बनेगा, न्यू रेशो में बनेगा, याद रहे 3:2 में। तो दैट विल बी कितना आ जाएगा, ये 1,80,000 एंड 1,20,000, ये रिजर्व में चला जाएगा 3 लाख, यहाँ रिजर्व खड़ा हो गया, ये न्यू रिजर्व है 3 लाख, ठीक है। और ये यहां पर आ जाएगा, न्यू रिजर्व लिख देंगे आप, या रिजर्व टू रिजर्व्स न्यू 1,80,000 और 1,20,000। यहां कोई डाउट है तो आप पहले वो पूछ लो। नेक्स्ट स्टेप हमारा टोटल कैपिटल जो है 6 लाख होनी चाहिए, टोटल कैपिटल 6 लाख होनी चाहिए। पहले हम सारी एडजस्टमेंट कर लेते, कितनी है पहले वो देख लेते, फिर कितनी होनी चाहिए उस पर बाद में बात करते। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे, ए और बी की कैपिटल हम यहाँ लिखेंगे 3 लाख और 2 लाख। अब सारी बैलेंस शीट के आइटम्स को आप जहां जहां वो जानी चाहिए वहां वहां वो ट्रांसफर करें, 3 लाख और 2 लाख, ठीक है। इसके बाद क्रेडिटर्स 2 लाख के हमारे क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के आइटम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, नेक्स्ट। फर्नीचर 80,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, देन स्टॉक 2,40,000, डेटर्स 150, बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस में कोई चेंज नहीं है, 60,000 और 30,000, ठीक है जी। अब हमने क्लोजिंग करनी है अकाउंट की, यहाँ तो सिर्फ रिवैल्यूशन ही आ रहा है, तो ये रिवैल्यूशन प्रॉफिट आ जाएगा 2,10,000 का, ठीक है। और ये किस में बढ़ेगा, ए और बी में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में 2:1, That will be 1,40,000 and 70,000. Profit capital को बढ़ाता है, तो अभी capital account में जा रहा है. Why revaluation account?
140,000 और 70,000। अब आप इस चैप्टर अकाउंट को क्लोज कर दो, लेकिन एक बात याद रहे, ये वाली एडजस्टमेंट अभी हमें करी नहीं है, ये करनी है, ठीक है, फटाफट क्लोज करिए। तो ये हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए, इसको फिर से आप ओपनिंग में डालो, आदत बना लेना, पहले क्लोज करना है। जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन हो, पहले क्वेश्चन आराम से कर लो, जितनी एडजस्टमेंट करनी है कर लो, कैपिटल निकाल लो, उसके बाद हम बात की बात करें, ठीक है। यहाँ आएगा टू बैलेंस सीडी, ठीक है जी। हाँ जी, अब क्वेश्चन क्या क्या रहे, कह रहे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज 6 लाख विच विल बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल 6 लाख होनी चाहिए, ये बात तो समझ आ गई। अब करना क्या है इसके अंदर, हमने देखिए कैपिटल ऑफ फर्म, यहां वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज 6 लाख। इसको पहले तो आप दो हिस्सों में बांट दो, 3:2 में, तो ए की कैपिटल जो आएगी दैट विल बी अराउंड 3,60,000 और बी की कैपिटल जो आएगी दैट विल बी 2,40,000। ये इनकी कैपिटल आनी चाहिए, ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल आनी चाहिए। अब ये कैपिटल इनकी आनी चाहिए, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा कैसे आएगी, तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या होगा 3,80,360 ये कैश पे कर देंगे हम इसको। आप देख रहे होंगे ये इसकी कैपिटल 3,80 है, होनी कितनी चाहिए 3,60, तो इसको हम पेमेंट कर देंगे 20,000 रुपए कैश, कैश कम हो जाएगा उतना बैलेंस। इसकी कैपिटल 1,80 है, होनी चाहिए 2,40,000, तो ये कैश लेकर आएगा, ही विल ब्रिंग कैश ऑफ 60,000, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट है तो हमने कैश में एडजस्टमेंट करनी है। 20,000 आया, 20,000 गया, 60,000 आया, तो ये यहां से हम हटा देंगे, 30,000 को हम हटा देंगे, ठीक है। 30,000 था, 20,000 गया और 60,000 आया, तो कैश हमारा जो हो गया दैट इज 70,000। हमारा कैश यहाँ पर, कैपिटल्स कैपिटल तो हमें पता ही है 6 लाख है दोनों की मिलाकर, ठीक है। आप बायसर्किट करके अलग अलग लिख सकते हैं, 3,60,000 और बी की है 2,40,000। अब आपने बैलेंस शीट को टोटल करना है, अपना आंसर चेक, मेरे दोनों साइड्स का टोटल मैच कर गया है, ठीक है। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट ऑलमोस्ट ठीक ही है, ठीक है। अब कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, तो आज जीएसटी ट्रांजेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे एंड वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटपुट के नाम से भी जानते हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होना, रिटर्न आउटपुट लिख सकते हैं हम इसमें, ठीक है जी। अब देखिए परचेज रिटर्न का मतलब क्या है, हमने जो माल खरीदा था वो वापस कर दिया है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, परचेज करने की, फॉर परचेज ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स खरीद रहे हैं तो उसकी आप जर्नल एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट कर देते हैं, ठीक है जी। जो जीएसटी आपने पे करा उसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं। अगर हमने कैश खरीदा तो टू कैश आ जाता है, और अगर हमने उधार पे खरीदा है तो सप्लायर का नाम, सप्लायर नेम या क्रेडिटर नेम कुछ भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात है, ठीक है। अब आपने माल वापस करना है, ठीक है, बिल्कुल ही ओपोजिट सिचुएशन हो गई। तो फॉर परचेज रिटर्न या फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर, जब आप गुड्स वापस करेंगे सप्लायर को, तो ये एंट्री बिल्कुल रिवर्स कर दो, सप्लायर नेम डेबिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट क्या होगा, जो आपने माल खरीदा था उसको आपने बोला था परचेज, ठीक है। गुड्स के लिए हम परचेज वर्ड यूज करते हैं,
लेकिन यहाँ पे परचेज की जगह परचेज रिटर्न अकाउंट ही गया, क्योंकि हम क्या करते हैं परचेज अलग दिखाते हैं और जो माल वापस कर दिया उसमें हम अलग दिखाते हैं, अलग अकाउंट दिखाते हैं। तो दैट्स व्हाई परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज की जगह परचेज रिटर्न अकाउंट क्रिएट करना, बस इतना सा डिफरेंस है। और जो आपने इनपुट टैक्स पे करा था या पे करना था वो आपका कैंसिल हो जाएगा, इनपुट जीएसटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दैट्स इट। होपफुली आपको एंट्री आसान लगी होगी, कुछ इसके अंदर डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ रिवर्स करना है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। तो एक क्वेश्चन रीड करेंगे आप, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है एक्सप्लेन करने के लिए कि परचेज को कैसे रिकॉर्ड करना है और उसके साथ साथ रिटर्न। यहाँ मैंने गुड्स परचेज करे फ्रॉम अब्दुल एंड ब्रदर्स, दिल्ली का बंदा है, ठीक है, फॉर रुपीज 1 लाख एट 10% रेट डिस्काउंट। रेट डिस्काउंट क्या होता है, जो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को देता है, ठीक है, या फिर हैवी क्वांटिटी जब हमसे कोई खरीदता है तो हम उसको स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। जीएसटी 18%। गुड्स रिटर्न टू अब्दुल एंड ब्रदर्स फॉर रुपीज 20,000, जिसमें से 20,000 का माल हमने वापस कर दिया। अब हमने इसकी जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। मैं वर्किंग्स नहीं करूंगा इसकी, क्योंकि वर्किंग्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जर्नल एंट्री, ठीक है, फर्स्ट एंट्री 1 अगस्त 2020 को क्या एंट्री होगी, ये एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने की परचेज आ रही है, 1 लाख की, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, वर्किंग सिखाता हूँ आपको। जब भी आप माल खरीदते हैं तो आप ट्रेड डिस्काउंट के बाद का प्राइस लेते हैं। ये जो 1 लाख है इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस, ये तो उसका प्राइस लिखा हुआ है जो उस पर, ठीक है। उसमें से हमारा ट्रेड डिस्काउंट लेस करा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट है 10% 10,000 90,000। हाँ, तो जो हमारी परचेज वैल्यू आएगी वो 1 लाख ना आके 90,000 आएगी। और जो टैक्स भी लगेगा, ठीक है, 9% CGST 8,100 और 9% SGST 8,100, ठीक है, ये 16,200 के 1,06,200। ये हमारा टोटल, इसको हम बोलते हैं इनवॉइस वैल्यू, इतने का इनवॉइस बनेगा, इतना पैसा हमने लेना है, सॉरी देना है। अब देखिए, तो यहाँ पर ये सारा हटा दिया मैंने, हमारी परचेज वैल्यू 90,000 आ गई। अब हमारे इनपुट टैक्स डेबिट हो गए, और इनपुट टैक्स के अंदर वी हैव टू टैक्सेस, एक है CGST अकाउंट डेबिट 8,100 और एक है SGST अकाउंट डेबिट 8,100, ठीक है। और हमने ये पैसा अब्दुल एंड ब्रदर्स को 1,06,200 रुपए दिए। ये हमारी परचेज की एंट्री हो गई। इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, किसी को कोई डाउट है। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी परचेज रिटर्न है, देखिए ध्यान से। जब आप परचेज रिटर्न करेंगे तो लिस्ट प्राइस क्या है गुड्स का, 20,000, याद रहे 20,000 का लिस्ट प्राइस है। इस पे भी 10% रेट डिस्काउंट लेस होगा, 2,000 18,000 और इस पर GST कितना है, इस पर GST है 99% GST CGST एंड SGST 1,620, ठीक है। तो इसकी जो इनवॉइस वैल्यू होगी 18,220, ठीक है, ये आ जाएगा 21,240, ठीक है, 21,240 आ गया। अब यहां पर देखिए एंट्री रिवर्स करते हैं, अब हम अब्दुल एंड ब्रदर्स को डेबिट कर दिया जाएगा 21,240 से, इतना पैसा हमने उनको नहीं देना, डेबिट कर दिया। उसके बाद परचेज क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन परचेज ना लिख के हम यहाँ लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज वापस हुई है 18,000 की, और जो हमारे इनपुट CGST जो हमारे फायदे थे वो फायदे भी कम हो गए, क्योंकि ये हमारी एसेट होती है ना, जब हम माल खरीदते हैं टैक्स पे करते हैं तो वो टैक्स के अमाउंट भी कम हो गए 1,620, क्योंकि वो हमने खरीदा तो है नहीं, अब तो वापस चला गया। इनपुट SGST अकाउंट 1,620, ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न, ठीक है, वर्थ रुपीज 20,000 एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 18% GST। इस पे कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सेल्स रिटर्न की। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। ये माल हमारे पास वापस आ रहा है, कस्टमर ने हमें माल वापस कर दिया। जाहिर सी बात है, अगर किसी के लिए वो परचेज रिटर्न है तो किसी के लिए वो सेल रिटर्न होगी।
ठीक है, हम किसी को माल वापस करेंगे खरीदा हुआ, तो उसके लिए तो ये सेल रिटर्न हो गई ना। अब देखिए जब हम सेल की एंट्री करते हैं तो वो कैसे होती है, अगर पैसा आ रहा है तो कैश डेबिट, अगर लेना है तो कस्टमर का नाम या फिर डेटर को हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, क्रेडिट क्या होता है, यहाँ सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि रिवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है, और जो टैक्स है वो हमारे लिए लायबिलिटी है आउटपुट टैक्स, उस जीएसटी को भी हम क्रेडिट कर देते हैं। ये होती है सेल की एंट्री। अब इसी को अगर आप रिवर्स कर दे तो सेल्स रिटर्न की एंट्री या रिटर्न इनवर्ड की एंट्री बन जाएगी। ठीक है, कैसे, आपका सेल्स अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ था, अब सेल्स अकाउंट ही डेबिट हो जाएगा, लेकिन सेल्स की जगह आप क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल और सेल रिटर्न को भी अलग अलग दिखाया जाता है अलग अलग अकाउंट्स में। देखिए अब जिस कस्टमर ने माल वापस करा उसका नाम आ जाएगा कस्टमर का नेम, ठीक है, वो क्रेडिट हो गया, डेटर खत्म हो गया हमारे, और जो टैक्सेस थे वो भी हम, वो हमारे डेबिट हो जाएंगे। अब वो हमने सरकार को टैक्स देना ही नहीं क्योंकि हमारी सेल तो हुई नहीं, जब सेल नहीं हुई तो जीएसटी भी नहीं देना, तो हमने वो अपनी लायबिलिटी को भी खत्म कर दिया, डेबिट कर दिया। कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, गुड्स सोल्ड वर्थ रुपीज 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट टू मिश्रा जी। ठीक है, अब यहाँ पर मिश्रा जी को हमने माल बेचा एंड 8 अगस्त को गुड्स रिटर्न बाय मिश्रा जी वर्थ रुपीज 10,000। अब हमने इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है कि इसका सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनिए, अब इसकी हम वर्किंग्स करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हम ट्रेड डिस्काउंट के बाद की वैल्यू लेते हैं। अब यहां पर हमने जब माल बेचा 6 अगस्त की बात कर रहा हूं, तो 50,000 का माल हमने कुछ ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा, ट्रेड डिस्काउंट का 20%, तो 20% होता है यहाँ 10,000, तो 40,000 की आपने सेल करी है, आपकी सेल वैल्यू 40,000 होगी ना कि 50,000। इस पर आप टैक्स लगाएंगे 9% CGST और 9% SGST, ये आ जाएगा 3600। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया ये आपका 47,200, ये इनवॉइस वैल्यू, इतना पैसा आपने लेना है। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होगी, मिश्रा जी से पैसा लेना है तो मिश्रा जी डेबिट हो गए 47,200 से। ठीक है, सेल्स हमारी क्रेडिट हो गई, कितने से क्रेडिट हो गई, 40,000 से, और आउटपुट टैक्सेस के अंदर आउटपुट 2 टैक्स आएंगे, CGST अकाउंट 3600 रुपए और आउटपुट SGST अकाउंट 3600 रुपए। ठीक है, इसके बाद 8 अगस्त को क्या हुआ, लिस्ट प्राइस जिनका 10,000 था और 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, 2,000 रुपए ये लेस हो गया, 8,000 की वैल्यू रह गई। इस पर GST लगा दो, 9% CGST और 9% SGST, 720 720, 9440। इतने का माल जो है, इतनी इनवॉइस वैल्यू का जो माल है वो मिश्रा जी ने हमें वापस कर दिया, तो हमारी सेल्स कम हो गई तो सेल्स डेबिट हो जाएंगी, लेकिन सेल्स की जगह हम क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। 8,000 रुपए की सेल कम हुई, जो टैक्सेस हमने गवर्नमेंट को देने थे वो भी कम हो गए, आउटपुट टैक्सेस, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 720 और आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 720। ये पैसा मिश्रा जी का जो हमने लेना था वो कम हो गया, तो मिश्रा क्रेडिट 9440 और यहाँ नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मिश्रा जी वाज रुपीज 10,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड GST चार्ज 18%। इसमें कोई डाउट है तो यू में आस्क।